विकास के मुद्दों को लेकर जो है चुनाव होने वाला है। राहुल की तो सोच भी नहीं पहुंच सकती जहां तक विकास हो गया। फिर तो जाके नेता बढ़िया ना जी, ना तो वो हमारा विश्वास जीत पाए, ना हमारा विकास कर पाए, इतने बदतर हालात हो चुके हैं। क्या ये सरपंचों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमारे MLO की जिम्मेदारी नहीं है? न्यूज 18 के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आज हम पहुंचे हैं अनस्यार के हिस्सा नूह जिले में। अनस्यार का नाम आते ही जहन में विकास की तस्वीर उभरती है, लेकिन जब इस इलाके में आते हैं तो विकास यहां कोसों दूर है और विकास की ये तस्वीर इस इलाके में धुंधली पड़ जाती है। तो आज हम यहां के लोगों से रूबरू होंगे और न्यूज 18 के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में लोगों से चर्चा करेंगे कि उनकी क्या उम्मीदें थी जो पूरी हुई, या फिर कौन से ऐसे वायदे थे जो सरकार ने पूरे नहीं किए। तो यहां के लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे आज हमारे इस खास कार्यक्रम में कि यहां के लोग क्या सोचते हैं। हरियाणा में चुनावी माहौल है और जाहिर सी बात है कि अब लोग उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि वो ऐसी सरकार चुनेंगे जो उनके फायदे के लिए काम करेगी और उनके जो वायदे हैं उनको पूरा करेगी। तो कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए किस तरह का माहौल है, क्या कुछ आपकी उम्मीदें, क्या लगता है आपको पूरी हो पाई हैं? देखिए, अगर हम पिछली सरकार की बात करें तो भाजपा जो है पिछले 10 साल रही है। अगर विकास की बात करें तो विकास यहाँ पर ना के बराबर है। चाहे पीने के पानी की बात करें, जो मूलभूत सुविधाएं हैं एक आम आदमी को जरूरी होती हैं, लाइट बिल्कुल भी नहीं होती यहाँ पे। पीने का पानी तो बिल्कुल ना के बराबर है। यहाँ 1500-2000 रुपए का लोग टैंकर डलवाते हैं और यहाँ हर महीने जो है करोड़ों रुपए का पानी यहाँ पर लोग पीते हैं। आपके इलाके में तो कोटला झील है बहुत मशहूर, फिर भी पानी की दिक्कत है? बिल्कुल, पानी की बड़ी दिक्कत है। कोटला झील थोड़ी दूर होती है क्योंकि उसमें कोटला झील में पीने का पानी नहीं हो सकता ना, वहाँ कोई ऐसा सिस्टम अभी बना ही नहीं है, इस सरकार ने बनाया नहीं है। कोटला झील नाम मात्र है सिर्फ, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर हम जहाँ देखो, फिलहाल जो चुनाव है वो चुनाव जो है विकास के मुद्दों को लेकर जो है चुनाव होने वाला है, क्योंकि यहाँ ज़रूरत है यहाँ इलाके में मेवात यूनिवर्सिटी की। यहाँ एजुकेशन के लिए ऐसा कोई हब नहीं है और यहाँ हॉस्पिटलों में आप हालात देखिए, दवाई है, डॉक्टर नहीं है, यहाँ मशीनें बाहर चली गई। NH 248 खूनी रोड, जिसके लिए लगातार लोग मांग करते रहे, हमारा रोड जो है आज तक चौड़ा नहीं हुआ। बिल्कुल, आप बताइए क्या क्या कुछ उम्मीदें आप लोगों की थी जो पूरी हुई, या फिर और उम्मीद आप लगा के बैठे हैं अभी? भाई, हमारे तो BJP के अच्छे समझ में आ रहे, हम तो छपेड़ा के वैसे हैं, ढासेड़े गए नहीं। बाकी अच्छी BJP जैसा काम तो कोई कर ही नहीं सकता, मोदी जैसा। रहा राहुल की बात, राहुल की तो सोच भी नहीं पहुंच सकती जहां तक विकास हो गया। आज तक जमीन से आसमान तक जो विकास हुआ है मोदी से हुआ है। इन्होंने कभी 60 साल में कुछ किया ही नहीं, कभी पैसे नहीं है, कभी पैसे थे ही नहीं इनके पास, तो अब कहां से पैसा आ रहा है? आपके साथी कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, आप कह रहे हैं कि बहुत विकास हमारा तो भाई इनके घासेड़े में नहीं हुए तो ये कुछ लोगों की कापन की कमी रहे। हमारे छपेड़ा में तो खूब ठीक ठाक विकास है, पास में हमारा गांव छपेड़ा, ठीक है ना। आप बताओ क्या कुछ आपको लगता है कि बहुत सारे काम हुए या कुछ कमी रह गई है अभी भी जो होनी चाहिए? क्या क्या काम लगता है आपको होना चाहिए? बिजली की बड़ी दिक्कत होती है, मच्छर चैन ना पड़न देते हैं और ना पानी की सहूलत है। हमने तो वो सरकार बढ़िया लगे जो हमारे लिए पानी की और बिजली की सुविधा देवे, तो हमने तो वो बढ़िया लगेगी। बहुत सारे लोग नौजवान भी यहाँ है, युवा यहाँ काफी सारे खड़े हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप बताओ क्या क्या लगता है, क्या कुछ हो पाया इस सरकार में? यहाँ तो BJP सरकार में तो कोई काम ना हुई हो जी। यहाँ कांग्रेस सरकार में हमारे लिए दो चीजें जरूर मिले, एक तो नूह तक 4 लाइन हुआ और एक मेडिकल कॉलेज आया यहाँ पे। मेडिकल कॉलेज भी ये हो गया, अल्ट्रासाउंड उसके लिए मंजूर हुआ था, अल्ट्रासाउंड भी नहीं हो रहा अब उसमें, इतने बदतर हालात हो चुके हैं। स्कूलों में मास्टर नहीं मिलेंगे, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं मिलेंगे यहाँ पे। अब बात आती है पानी की, यहाँ 1500 रुपए में टैंकर गिरता है पानी का, करोड़ों रुपए का ये गांव पानी पी जाता है, सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं है यहाँ पानी के लिए। और रही बात मोदी सरकार की, कहती है सबका साथ सबका विकास, यहाँ आप गांव में कहीं भी चले जाएं ना तो आपको रास्ते मिलेंगे, ना ही पानी कोई सुविधा मिलेगी, ना ही एजुकेशन कोई सुविधा। हम तो सबसे पहले ये चाहते हैं सर, शिक्षा पे काम होना चाहिए यहाँ मेवात के अंदर, और शिक्षा पे कोई काम नहीं है यहाँ पे। आप बताइए क्या उम्मीदें आपको हैं, क्या कुछ और होना चाहिए बेहतरी के लिए, खासतौर से मेवात को, क्योंकि सबसे पिछड़ा हुआ जिला माना जाता है मेवात। ये जी, हमें शिक्षा का प्रभाव होना चाहिए जी, पानी बिजली की कोई सुविधा ही ना आ, ना स्कूल की, कॉलेज की, किसान की कोई जरूरत ना इसमें। क्यों, क्या लगता है अब क्यों हो रहा है ऐसा भेदभाव मेवात के साथ? बस यहाँ में हो ही रहे हो जी भेदभाव जी। एक तो जाके नेता बढ़िया ना जी,
वोट ले लें चले जावे जी, कोई अपने उल्लू सुधो कर ले जी, काम के बारे में कोई सोचे ना जी, ना सरपंच सोचे ना MLA सोचे जी, ऐसे रहेगा जब तक पढ़ाई अनपढ़ता की वजह से लोग पिछड़ापन रहेगी यहाँ तो जी। बिल्कुल, तो जिस गांव में इस वक्त हम खड़े हैं ये घासेड़ा गांव है और ये गांव जो है ऐतिहासिक गांव है अपने आप में। जब 1947 में जब देश आजाद हुआ था उस वक्त मुस्लिम समाज के लोग जो है वो पाकिस्तान जाना चाहते थे, लेकिन हसन खां मेवाती और महात्मा गांधी के आग्रह पर सभी मेवात के जो लोग हैं उनको यहीं रोक लिया गया था और ये कहा गया था कि आप यहीं हिंदुस्तान में ही रहें और यहाँ की तरक्की में अपना योगदान दें। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि सभी लोग यहीं हिंदुस्तान में रुके, इसी इलाके में रुके जिसे आज मेवात कहा जाता है। लेकिन अब इन लोगों का अपना दर्द है, अपना दुख है कि बहुत सारी चीजों में इनके साथ भेदभाव हुआ और इनको विकास उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। नेताओं ने बहुत सारे वायदे किए, क्या कुछ इस इलाके को जरूरत है और वो नहीं हो पाई? सर, सबसे बड़ी जरूरत तो है ना जो सर पानी की, इतनी बड़ी जरूरत है हमारे गांव में। जब आफताब का कार्यकाल था, जब सरकार थी उनकी सर, उन्होंने सिर्फ इस गांव में पानी पहुंचाने का काम किया था। करोड़ों रुपए का पानी ये गांव पी जाता है। तो सर पानी की सर ये रिक्वेस्ट है, हम आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस गांव का जो भी पानी की जो भी समस्या है सर उसको कंप्लीट करा दीजिए, ये सबसे बड़ी समस्या हल हो जाएगी सर गांव की। अभी जो यहां के लोग हैं, आप पानी की समस्या सब लोग बता रहे हैं पीने के पानी से, तो अब आप लोग कैसे इंतजाम करते हैं उस पीने का पानी का? सर आप लाइव देखिए, हर घरों में चैम्बर बनाए हुए हैं, टैंकर जो कुंडा बोलते हैं सर उनको, तो उनमें 1500 से 2000 रुपए का एक टैंकर, बड़ा टैंकर डलता है, 1500 से 20 हजार लीटर जिसमें पानी आता है, तो सर वो डलवाते हैं और उसी से फिर सारा घर का पानी, पीने का, कपड़े धोने, बर्तन धोने सब उसी से करते हैं। फिर चैम्बर सारे सूखे हुए हैं। आप बताइए क्या कुछ आप लोग सोच रहे हैं चुनाव में क्या कुछ होना चाहिए इस इलाके में, किस तरह की सरकार बने जो आपका काम करे? हमारे प्रधानमंत्री नारा दिया था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ना तो हमारा विश्वास जीत पाए ना हमारा विकास कर पाए, हमें उस मतलब जो उम्मीदें थी वो कोई पूरी नहीं कर पाए हमारी वो, और हमारा इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में जो मेवात जो जिला है सबसे पिछड़ा जिला है, जबकि दिल्ली के नाक के नीचे मेवात बसता है, मात्र 60 किलोमीटर दूर है। हर इलाके में दिल्ली के चार NCR में विकास मिल जाएगा मेवात को छोड़कर। 4-लाइन रोड हमें मिला था नूह तक कांग्रेस सरकार में, जब भी उसकी घोषणा हो गई थी कि ये अलोर तक 4-लाइन बनेगा, लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद रोजाना 2-4 मौतें होती है, कोई विकास यहाँ नहीं करा BJP सरकार ने। विकास के नाम पे तो कह रहे हैं कि हमने मेवात के इलाके से KMP निकाल दिया, हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे निकाल दिया। KMP तो कांग्रेस सरकार में निकल गया था, ये तो बहुत काफी पूरा भाजपा सरकार भी हुआ है। जो चीज पहले घोषणा हो गई उसको पूरा तो होना ही है सर, उसमें उसका क्या कमाल है। हाँ बम्बई हाईवे निकला है, ये तो मजबूरी थी, फिर कहाँ के ले जाते बम्बई हाईवे को, अगर मेवात में एक नहीं चुनते तो मजबूरी थी ये निकालना, लेकिन हमें कोई ऐसा विकास उन्होंने नहीं दिया जिससे हम उनका हमारा दिल जीत पाए। आप क्या चाहते हैं, क्या जो सुविधा है वो होनी चाहिए जिससे कि इस इलाके को कम से कम इस पिछड़ेपन से निजात मिले? सबसे मेन जो पिछड़ेपन का हथियार है वो शिक्षा है, हमें यूनिवर्सिटी मिले, हमारे बच्चे पढ़ें, ये जितने भी बच्चे खड़े हैं सब अनपढ़ हैं, जब तक ये पढ़ेंगे नहीं अपनी जिंदगी को कैसे संवारना सीखेंगे, ये कैसे हम जिंदगी गुजारना सीखेंगे। मेन चीज शिक्षा चाहिए सर हमें, पानी शिक्षा ये हमें और हमें स्वास्थ्य चाहिए। आपको लगता है नेता काम कर पाए इस इलाके में? सर बिल्कुल भी काम नहीं कर पाए, सिर्फ जब उनकी सरकार थी सर, ये निष्पक्ष मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं टीचर हूँ सर, मैं बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं कर रहा, जब आफताब MLA थे उस वक्त में जब उनकी सरकार थी उन्होंने खूब प्रयास किया था। अब यहाँ जमीनी लेवल पर सरपंच ने बीच में खा गए या सरपंच ने गड़बड़ की ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने सर पूरा सहयोग किया था। यहाँ सरपंच ने गड़बड़ वो अब पहले भी की थी, अब फिर उसी उस पर मुहर लगा रहे हैं, अब फिर ऐसा ही कर रहे हैं, लकीर के फकीर बने हुए हैं। कोई हमें बदलाव कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा और ना आगे आने की संभावना। इसी तरह स्कूलों में सर 2500 से 3000 के दरमियान बच्चे हैं, उनके ऊपर सिर्फ 15 टीचर हैं सर, और सर उनमें भी किसी की चुनाव में ड्यूटी लगा देते हैं, किसी की किसी उसमें ड्यूटी लगाते हैं, 8 से 7 टीचर बचते हैं। अब 2500 से 3000 पर सर आखिरी वो टीचर कैसे पढ़ाएंगे सर उनको, आप बताइए। क्या ये सरपंचों की जिम्मेदारी नहीं है, क्या हमारे MLO की जिम्मेदारी नहीं है, क्या हमारे इन जो मंत्री बने हुए हैं ये हमारी BJP सरकार है इनकी वो नहीं है, जबकि हम NCR से महज 40 किलोमीटर दूर
आखिर सर हमारे साथ ही ये ऐसा बर्ताव इन्होंने क्यों किया है सर? हम आप बताइए, क्या आप इन बातों से सहमत लोग जो बता रहे हैं, जो ना, कह रहे हैं? हम तो बिल्कुल इनकी इनकी अपनी समस्या गांव की नहीं है, तो इसी इलाके के ना गाँव इलाके के इसी इलाके के हमारी कुछ और है, इनकी कुछ और है, हमारी आप इनको बोलने दीजिए कोई बात नहीं। हमारे हम तो अपनी कह रहे हैं भाजपा सरकार में हमारा तो ठीक है प्रोग्राम, सभी कुछ ठीक चल रहा है, हम इसी अपने अपनी नहीं देखते, हम तो देखते जमीन से आसमान तक के जो उन्होंने किया है। अब ये केएमपी की बात कर रहे हैं आप, केएमपी यू वापस कुछ बनी बनी कुछ ना बनी, फिर खंडित होने लगी थी, इसमें से मिट्टी भी ले जाने लगे किसान, इन्होंने एक साल के अंदर पूरा किया, बॉम्बे हाईवे भी धराधर से काम शुरू करके पूरा किया। अरे ऐसे क्या है, हम तो देश में कुछ ज्यादातर घूम के देखे, कहीं कहीं ऐसा दिखता है जैसे विदेश में आ गए हूँ, यानी यहाँ ये नजारे भी नहीं थे रोडों के। तो आपको लगता है ये हाईवे निकलने से विकास होगा? मेरी बात में हाँ, विकास क्यों नहीं होगा, सबको फायदा है, अकेले हमको फायदा थोड़ा है, सभी को फायदा है, इसमें किसका फायदा नहीं है? आप बताइए आप क्या क्या कुछ और कहना चाह रहे हैं? देखिए रोडों के बनने से इलाके में विकास क्या हो सकता है? विकास के लिए तो देखिए हमारे यहाँ पर एजुकेशन के लिए मेवात यूनिवर्सिटी सरकार यहाँ पर दे, तब विकास हो सकता है, क्योंकि हमारे बच्चे जब तक पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। यहाँ तो ज़्यादातर लोग जो है पढ़ाई से बैठ जाते हैं, क्योंकि अगर दूर बाहरी जिलों में देखा जाए तो सभी में मेवात अलग अलग यूनिवर्सिटी खोली हुई है। मेवात में पिछले 10 सालों से काफ़ी वर्षों से जो है मेवात यूनिवर्सिटी की लगातार मांग करते आ रहे हैं, सरकार को चाहे कांग्रेस की रही हो या भाजपा की रही हो, कोई सी सरकार ने जो है मेवात यूनिवर्सिटी नहीं दी। और यहाँ तो इतना बदतर हालात है कि इस इलाके में बिल्कुल बहुत, एक तरह से कह रहे हैं कि सरकारों ने हर बार यहाँ पर एक तरह से वायदे जरूर किए, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही हो, लेकिन इनके हिस्से सिर्फ आश्वासन आया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और यही एक वजह रही कि अब तक इतने साल हो गए आजाद हुए देश को, उसके बावजूद भी एनसीआर का हिस्सा होने के बावजूद इस इलाके में ना तो ट्रेन आई ना ही रेलवे लाइन आई, जबकि हर बार बजट में कहा जाता है, लेकिन आज भी शिक्षा का अभाव इस इलाके में पूरे में है, और साथ ही पानी एक बड़ी समस्या है जो हर बार चुनावी मुद्दा भी बनता है। तो अब देखना होगा कि अब जब चुनाव होंगे तो लोग कौन कौन से मुद्दे ध्यान में रख करके अपने वोट करेंगे और कौन सी अपनी सरकार को चुनेंगे। तो फिलहाल चुनावी चौपाल कार्यक्रम में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 18। कैमरामैन अयूब खान के साथ धर्मवीर शर्मा, न्यूज 18 नूह मेवात। ये हरियाणा में मसले ही मसले हैं जी, भाजपा के राज में तो पटे हैं, बराड़ा सारा पटा है, यहाँ पे कीचड़ भरा रहा था, आज पक्का है वो। विकास की जगह विनाश ही हुआ है। अपने कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता कांग्रेस के कॉमन आदमी, मतलब अपने दिमाग में ये है कि जिन्होंने पहले काम किया उन्हीं के काम पे वोट मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और चुनावी चौपाल में न्यूज 18 हरियाणा का कारवा पहुंचा है बराड़ा। चौपाल सच चुकी है बराड़ा के मुख्य बाजार में। एक बार मैं कहूंगा, पहले आप दिखा दीजिए, भीड़ दिखा दीजिए यहाँ पर, उसके बाद सवालों का सिलसिला होगा। 2024 में हरियाणा का चैंपियन कौन बनेगा ये भी जानेंगे। लोग यहाँ पर मौजूद है, बुद्धिजीवी, समाज सेवी, आम लोग, तमाम समाज के हर हिस्से का जो वर्ग है वो यहाँ पर मौजूद है। सवालों का सिलसिला शुरू कर सकते। नमस्कार जी। हाँ जी सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धर्मपाल सिंगला है। धर्मपाल जी, 24 में हरियाणा में इलेक्शन है, चैंपियन कौन बनेगा, क्या मसले रहने वाले हैं? यहाँ तो कांग्रेस आने वाली है। अच्छा जी, कांग्रेस की सरकार पहले भी है, अब भी रहेगी। नहीं, पहले तो बीजेपी की था सर। नो नहीं, सरकार तो बीजेपी की, यहाँ हमारा जो MLA और MP है और मैं कांग्रेस का है, वो है, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट कमेटी की तरफ से मेरे पिताजी चेयरमैन भी रहे मार्केट कमेटी के, बरड़ा के रोड बनी थी सिंहपुरा की, आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ, इतनी खड्डे हो चुके हैं कि हम शमशान का हमारा उधर ही है। बराड़ा के मसले रोड का है, क्या है? सारे मसले रोड के हैं। इधर एक रोड टूटी पड़ी है, बिल्कुल खत्म है, आज 4 साल हो गए मेरे ख्याल, 5 साल उस पर कोई भी एक गटका भी नहीं। रोड का मसला है। आपका क्या नाम है जी? बलजिंदर कुमार। क्या रहने वाला है जी इस बार हरियाणा में, क्या मसले हैं? ये रोड का मसला बता रहे हैं, आपको क्या लगता है? ये हरियाणा में मसले ही मसले हैं जी, पिछले 10 सालों से अगर आप देखो हर चीज का है, बेरोजगारी का मसला है, महंगाई का मसला है। आज आप देखिए कि हरियाणा की जो चौधर है सरपंच, सरपंचों के साथ पीछे क्या हुआ, हर सरपंच को इन्होंने देखो सरपंचों को पीटा, मजदूर वर्ग है वो सड़कों पे है, किसान वर्ग है वो सड़कों पे है, विद्यार्थी है वो सड़कों पे है। बराड़ा की बात करें, बराड़ा में अगर
आधा घंटा भी बरसात हो जाती है तो चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। पानी का मतलब मसला हमने देखा कई जगह। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? जसवंत राणा। राणा जी, क्या लग रहा है आपको? हरियाणा में जो है पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा की सरकार बनने वाली है। कार्यकर्ता है? कार्यकर्ता कांग्रेस के। कॉमन आदमी हूँ मैं तो। कॉमन आदमी है, चेहरे की हंसी बता रही। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर मेरा करण सिंह नाम है। क्या करण सिंह जी, हो सकता है इंसान भी किसी पार्टी से जुड़ो लेकिन मसले में पूछ रहा था कि जिन मुद्दों पर 2024 में सत्ता का सिंहासन तय होगा। सच्चाई तो यह है आज हरियाणा में हर वर्ग दुखी है, चाहे वो सबसे बड़ा तो बेरोजगारी का मुद्दा है। बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, इतना बुरा हाल है कानून व्यवस्था का। नशा बहुत बढ़ गया हमारे में, बहुत उम्मीदें थी लोगों को हरियाणा के इस सरकार से, लेकिन 10 साल में काम की जगह विकास की जगह विनाश ही हुआ है। सड़कों का बुरा हाल है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है यहाँ से काड़पी से लेकर साहा तक सरकार से बहुत गुहार लगाई एरिया के लोगों ने, मौजूदा लोगों ने बहुत गुहार लगाई। ज्ञापन भी दिए कि ये जो सड़क चौड़ी होनी चाहिए, आगे पीछे 4 लेन है, वो 1-2 किलोमीटर का रास्ता सिंगल रोड है। मतलब सड़क ये आपकी मुद्दा है। आप एक बार आगे आजिए। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा पंकज जी। ये आपको क्या लगता है, ये मुद्दे की बात है? सरकारों ने कामकाज कैसे किया, कितने नंबर देते? नहीं, मुद्दे की बात है जी सारी। बेरोजगारी मुद्दा है, सड़कें मुद्दा है, निकासी मुद्दा है, आप बराड़े में खड़े हैं, सभी चीज जो है दुर्दशा है बीजेपी की सरकार। MLA तो कांग्रेस के थे, तो सरकार तो बीजेपी और MP भी अब कांग्रेस की। सरकार तो बीजेपी की है ना जी, 10 साल से विपक्ष का MLA और वो होने से तो मसला हल नहीं होता। ये मसले रहने वाले, यही मसला है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर जेंद्र कुमार है। डॉक्टर साहब, आप भी मसले? हाँ, मेरा मसले है जी, एक बेरोजगारी है, बच्चों की बहुत ज्यादा बेरोजगारी, वो बहुत फिर रहे हैं लड़के, और दूसरा जो है निकासी की बात तो सारे कह रहे हैं। गांव में आप गांव में जाकर के देखो जी, बहुत बुरा हाल है। 10 साल की सरकार है बीजेपी गवर्नमेंट की, आज तक 1 रुपया काम जो है मुलाने हल्के में नहीं हुआ, और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। हर वर्ग दुखी है, चाहे दुकानदार है, छोटा व्यापारी है, नौजवान है, किसान है। किसानों के साथ बड़ी जाति हुई जी, और सरपंचों के साथ बहुत जाति हुई, जगह जगह से लठ मारे गए, डंडे मारे गए, लोगों को भगाया गया। कर्मचारी दुखी हैं जी, व्यापारी दुखी हैं, कोई वर्ग ऐसा मसले इस बार आपको लग रहा है? अब की बार आज बराड़ा के ये हालात हुए हैं, 10 साल से बीजेपी की सरकार है। आज आप महाराणा प्रताप चौक से दसड़का रोड पे देखो कितने खड्डे पड़े हैं और कितने टाइम से पड़े हैं। बस स्टैंड के आसपास देखो, वहां से चलना भी दुर्लभ है। शमशान घाट रोड है बराड़ा का मेन, शमशान घाट है बराड़ा से दैया माजरा रोड, खड्डे ही खड्डे, कोई विकास नहीं। बेरोजगारी मुद्दा, आज किसान दुखी, कर्मचारी दुखी। कोई ऐसा काम आपको याद होता है जो हुआ हो और प्रॉब्लम सॉल्व हुई है? नहीं हुई कोई भी। जो विकास 2005 से लेके 2015 तक चौधरी फूलचंद जी मौलाना के टाइम में हुए, वो आज तक कोई भी उनके मुकाबले विकास करवा ही नहीं सकता। ठीक है, पुराना बड़ा नाम है जी फूलचंद मौलाना का, सबने गिना दिए कि ये सरकार के खिलाफ। कुछ काम ऐसे हुए जो हुए भी हों? जो काम हुए हैं वो तो जब कांग्रेस की सरकार थी हुड्डा साहब की 2005 से लेकर 2014 तक 15 तक वो काम हुए हैं। अब तक वही काम के ऊपर इन्होंने टाकी भी सड़कों पर लगा नहीं सके। शाहबाद से सडोरेड़ा रोड देख लो, नई गाड़ी लेके आ जाओ ना टायर चारों के चार सडोरे तक खुल जाए, हमें पकड़ लेना। अभी भी मौजूद है सड़क रोड और ऐसे चलेंगे, इतने बड़ा खड्डे हैं, जैसे कोई गाड़ी लेके जाए गाड़ी पूरी की पूरी ये नहीं पता खड्डे के नीचे ही बैठ जाएगी। और भी लोग आ गए हैं, जुड़े हैं आपसे जाने के। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम तो है कृष्णलाल शर्मा। शर्मा जी, इस बार 24 के इलेक्शनों में क्या रहने वाला है, कामकाज में कैसे देखते हैं, कितने नंबर देते हैं, हुए नहीं हुए, आप जब वोट डालने जाओगे क्या रहने वाला दिमाग में? अपने दिमाग में ये है कि जिन्होंने पहले काम किया उन्हीं के काम पे वोट मिलेगी। अब इनके काम है सिर्फ गाना और बजाने के, उससे वोट नहीं मिलती। सबसे ज्यादा तो है बेरोजगारी, उससे ज्यादा है महंगाई। हर बच्चा धक्के खा रहा, इसके राज में सिर्फ धक्के खाने वाले की जिंदगी है, चाहे वो चोर बाजारी हो जो कुछ हो जो, सबसे गंदा राज चल रहा है। मुद्दे क्या रहने वाले हैं आपके जब आप वोट डालने जाओ? जवाब तो यही है जी, जो बराड़े गांव के रहने वाले हैं वहां से 4 जोड़ा कोई लग 10 साल के अंदर, पहला उनको पानी भी टपा था, 10 साल के अंदर कोई भी उनकी सफाई नहीं हुई और उनकी वो करने वाला नहीं है कोई, उनकी पैमाइश कहा कई बार पैमाइश नहीं हो रही। का मुद्दा मतलब है? हाँ जी, जोड़ के, बिल्कुल जोड़ का मुद्दा। इधर लोग रह के थे बाकी। हाँ जी, इशारा एक दूसरे को करते हैं क्योंकि वोट सारे डल के शर्माते हैं कैमरे के सामने। क्या नाम है आपका जी? विशाल। आगे आ जाओ विशाल जी। आपको क्या लग रहा है कि सरकार कामकाज खुश है, विकास हुआ आपके एरिया में, नहीं हुआ, क्या मुद्दे हावी हैं?
दस साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई, किसी युवा को रोजगार नहीं मिला, जिससे युवा नशे की ओर जा रहा है। और 10 साल में इन्होंने भाई को भाई से भिड़वाने का काम किया, चाहे वो किसान आंदोलन है, जातिवाद सबसे ज्यादा किया 10 साल में। कहीं से स्क्रिप्ट तो नहीं पढ़ के आए? नहीं नहीं, नहीं नहीं किसी पार्टी के कार्यकर्ता? नहीं, एक वादा आने वाले भविष्य में लग रहा है लड़ोगे इलेक्शन क्योंकि जिस हिसाब से बोला परफेक्शन जा रही है धीरे धीरे। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? प्रमोद सिंगला। सामने बोला, हाँ जी प्रमोद सिंगला। अब सिंगला जी, सबके मुद्दे अपने अपने हैं, सबके अपनी अपनी पसंद नापसंद है, आपका क्या मानना है किस चीज के बारे में सरकार, क्योंकि इलेक्शन आने आ गए अब तो 2024 में? सरकार ने 10 साल में करे ही कुछ नहीं। थोड़ा जोर से करे ही कुछ नहीं सरकार ने 10 साल में। बराड़े में तो ऐसे जैसे 10 साल पहले गए थे वैसे आ जाए, पोजीशन यही है बराड़े के अंदर, कोई विकास कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, जब तक हमारी कांग्रेस सरकार थी तो हमारे बराड़े में विकास होता था। जैसे आप लोग देख सकते हैं आज हमारे बराड़े चौक पे इतने खड्डे हैं, रोज ना कोई लेडीज या बच्चे गिरी जा रहे हैं। एक दो बार तो मैं खुद गिरा हूँ, मेरे को लोग उठाने आए हैं, पर जब कांग्रेस सरकार थी तो ऐसा कुछ नहीं था। अगर हम दूसरा मुद्दा देखें किसानों का, तो कांग्रेस सरकार के टाइम किसान कितने खुश थे, पर अब बीजेपी के टाइम उन पर लाठीचार्ज हो रहे हैं, रास्ते रोक रहे हैं, ये आम जनता के लिए भी दिक्कत है। तो बीजेपी सरकार को उसके लिए कुछ करना चाहिए, या तो कांग्रेस सरकार को दोबारा मौका देके देखिए। वोट बन गया आपकी? मैं 18 को मेरी वोट बन गई है। बन गई है, हाँ जी। तो वोट का प्रयोग करें, मुद्दे सबके रहे और भी कहीं से बात। हाँ जी, आ गए जी आपके पास, क्या नाम है आपका? हाँ जी, कदम सिंह चौहान जी। कदम सिंह चौहान जी, कदम सिंह, कदम सिंह। हाँ जी, इस बार 24 को कदम कहाँ जाएंगे? यहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे? 24 का किसको बना रहे हो? क्या लग रहा है आपको? इलेक्शन आएगी, सरकार आएगी हमारी। किसकी? बीजेपी की आएगी। अच्छा, बीजेपी की आएगी। बिल्कुल, कह रहे हैं बीजेपी ने कुछ नहीं किया, इनके कहने से कुछ सारा लगा। मेरा 1.5 किलोमीटर खेतों का रास्ता है जी, जो अक्सर किचड़ भरा रहा था, आज पक्का है वो। बीजेपी ने बनवाया, 15 लाख की ग्रांट दी है रास्ते के लिए, और रास्ते भी पक्के करा दिए बीजेपी ने। जो कौन कह रहा है बीजेपी, पहले जो है जो ये जो बीपीएल जो है सिर्फ एससी का होता था, अब पंडित है, राजपूत है, जो गरीब जो है तो सबका है, सबको राशन मिल रहा है, पहले भेदभाव था। ये कह रहे सड़कों में गड्ढे हैं, क्या हो गया? तो मौजूदा वरुण हमारा MLA था यहाँ, वो भी तो कर सका था इसको, उसकी भी ड्यूटी बनती है। आप कह रहे काम कराए? मतलब बिल्कुल काम कराए हैं, अमेरिका जैसी सड़कें कह रहे जी काम कराए हैं। हाँ जी, साहब आज से बस आती थी जी, हर एक टाइम बच्चे बिल्कुल ही धक्के खा रहे जी, कोई बस नहीं आंदी, कोई कुछ नहीं आंदा जी, पैसेंजर ट्रेनर रुकते जी, सब बंद है जी, अंडर पास 3-4 बन रहे जी, किसी में लिखा नहीं जनता जी, आप जाके देख लो जी। ये मुश्किल है। हाँ जी, ये बीजेपी वाला इतना झूठ बोला, पूछो कुछ ना। 2012 में सोनिया गांधी ने ये बिल पास कराया था और इन्होंने विरोध कराया था, और ये कैसे कह रहा है राजपूत ब्राह्मण 5-5 किले वाले तक को मुफ्त राशन मिलता था, ये झूठ बोल रहा, पता नहीं कहाँ से बोल रहा है, कुछ पता नहीं। इनके कहने से कुछ नहीं होता है, आप पब्लिक से मिलिए, आप पब्लिक से मिलिए ना, जो राशन ले रहे हैं इससे कुछ सारा नहीं लगता, ये ग्रुप है, इनका सबका ग्रुप खड़ा है यहाँ। और कुछ नहीं, साहिल। अच्छा साहिल जी, किस फिर इस बार 2024 में किसके साहिल लगो? मेन तो हमारा बदलाव है जी, कांग्रेस सरकार चाहिए हमको। हाँ जी, क्या कारण? कारण बेरोजगारी है जी, ट्रेनें बंद पड़ी है, अंडरपास बने पड़े वो बंद पड़े है, 2-3 किलोमीटर दूर घूम के आना पड़ता है, बराड़ा भी आना होना 2-3 किलोमीटर दूर। मुद्दे हैं, क्या लग रहा है कि सरकार के काम काज से खुश हो या विकास हुआ, क्या हुआ? हम तो यहाँ पे जी वरुण जी को दोबारा चाहते हैं, 2019 में यहाँ से वरुण जी जीतते थे, वही यहाँ पे हल्के के लोगों के सुख दुख में हर वक्त खड़े होते हैं, ऐसा विधायक तो हमने आज तक नहीं देखा। वो तो MP बन गए, अब MP बने ना, अब भाभी बनेंगे, उनकी वाइफ मिसेज MLA यहाँ से पूजा चौधरी जी बनेंगे, हल्के की मांग है। विकास यहाँ पे हुआ पहले या क्या था मसले? क्या मौलाना साहब के राज में जो भी हुआ है विकास, जो भी पत्थर है मौलाना साहब के राज में लगे हुए हैं, भाजपा के राज में तो पटे हैं, बराड़ा सारा पटा है यहाँ पे। ये तो मसले बड़े हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, सबके अपने मसले। हाँ जी, आप रह गए थे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? नरेश सैनिया जी। हाँ जी सैनी जी, साल बेरोजगार में ही कट गए, हर एक गांव का युवा बच्चा विदेश चले गया, युवा बच्चा कोई नहीं रहा है यहाँ पे, बुजुर्ग या माते या बहने रह गए, हमारे 15-20 गांव ऐसे पड़ते हैं, जमीन उनका बराड़े से रास्ता ही कट गया, कोई दूर से आता है उगाड़े साइड से घूम के आता है, कोई वो अंडर पास जब जितने भी बनाए कोई भी बंदा नहीं निकल सकता। जो युवा विदेश गए हैं वो कितने पढ़े लिखे थे बच्चे? किसी ने BA करके, किसी ने MA करके, किसी ने PhD भी करके, बेरोजगारी के करके विदेश में चले गए 10 साल में। ये तो बताओ भी कौन सी सर्विस लगाई इन्हें? अब युवा फौज में जाते थे जी बच्चे, वो भी आज 4 साल की नौकरी में, 4 साल की में कौन करेगा,
चार साल की तो ट्रेनिंग नहीं होती जी। बराड़ा में सब डिवीजन भी चौधरी फूलचंद मौलाना जी की है, जो मौलाना साहब की देन है। मैं इस चर्चा को विश्राम देंगे। मसले यहाँ सबने अपने बताए, सबने अपनी राय रखी और सबसे अच्छी बात सबने शांतिपूर्वक एक दूसरे की बात को सुना। एक एक रह गए। हाँ जी, 2024 में क्या लग रहा है, क्या होगा सरकार किसकी? कांग्रेस पार्टी। अच्छा, कांग्रेस लहर है, एकदम से लहर लहर हरियाणा में, पूरे हरियाणा में विकास के नाम पर कांग्रेस को वोट और बीजेपी में तो यही कुछ नहीं है। मुलानी हल्के में तो कुछ नहीं गया, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको ठीक है, अगर आपको विकास देखना है तो मेरे साथ चलो, मैं आपको विकास दिखाता हूँ। इन्होंने सबने अपनी बात रखी, इस चर्चा को विश्राम देंगे और सबने अपनी धैर्य से बात रखी, लेकिन ये जनता जनार्दन तय करेगी कि 2024 में हरियाणा में कौन बनेगा चैंपियन। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट विनोद के साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18 बराड़ा।